वहाँ पर निचली सतह पर अच्छी हुक्मरानी कायम करें। तो आपसे गुजारिश है मीडिया से कि आप खान साहब से ही पूछें, खान साहब के पार्टी के लोगों से पूछें कि वो क्या आयूनी कानून की तो बात करते हैं यहाँ पे अपने लिए, लेकिन वहाँ पे कानून और आइन उनके पाँव के रौंदे तले आ रही है, तो वहाँ भी हमारे सूबे में क्यों कानून की बात नहीं करते हैं। तो आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि खुदा रहा आप ज़रूर खान साहब से भी, उनके पार्टी के लोगों से भी ये पूछे कि खैबर पख्तूनख्वा में 30,000 मुंतखब नुमाइंदे मुकामी हुकूमतों के, उनके इख्तियार उनको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इमरान खान का तो विजन था कि डिवॉल्यूशन ऑफ पावर होगा, इख्तियार निचले की तरह पर जाएंगे, MPA MNA और सेनेटर कोई भी तरक्याती काम नहीं करेगा, तरक्याती फंड्स मुकामी हुकूमत इस्तेमाल करेंगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास न फंड्स है और न इख्तियार है। तो इसलिए आए हैं और खान साहब से गुजारिश करते हैं, आपके जरिए गुजारिश करते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबान है। आपकी 22 साल हो गए मुकामी हुकूमतें बनी हैं KPK, अभी तक कोई फंड नहीं मिले वहाँ की मुकामी हुकूमतों को, और अगर आपको ये फंड्स नहीं दिया जाते तो क्या आप अदालत से भी रजू कर सकते हैं? बिल्कुल जी, 2.5 साल से वहाँ पे हमारे सूबे में मुकामी हुकूमतें बनी हैं, एक पैसा भी मुकामी हुकूमतों को फंड नहीं मिला है। PFC वार्ड के तहत हमें 20% सूबाई सालाना तरक्यात का फंड मिलना है, लेकिन 20% क्या 1% भी नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला है। और हम अदालतों में भी 2 साल से वहाँ भी हमने रिट दायर किए, लेकिन वहाँ पे उनके एडवोकेट जनरल तारीख पर तारीख रहते हैं, कोई जवाब नहीं जमा करता है, और अदालत में भी डिलेइंग टैक्टिस करते हैं, तो अदालतों में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मजबूरन हम आए हैं यहाँ पे उनको कि खान साहब को एक ख़त पेश करें, सुपारिश के ज़रिए उनको पेश करें, उनके पार्टी के लीडर्स को हमने एक ख़त दिया, अलीमा खान बीबी को ख़त दिया है, उनके वकीलों को ख़त दिया है, काजी अनवर साहब को दिया है, नई पंजोला का हमने ख़त दिया है, और ये ख़त दिया कि ये ख़त उनको डिलीवर हो और खान साहब ये ख़त पढ़े कि उनकी हुकूमत वहाँ पे आयून कानून के साथ क्या कर रही है। अभी हमने सूबाई हुकूमत को डेडलाइन दिया कि 27 अगस्त तक हमारे मुतालबात हल करे, अगर वो हल नहीं करेंगे तो 4 सितंबर को हम CM 68 के सामने एक बड़ा धरना देंगे, और उसके बाद 11 सितंबर को हम यहाँ अडियाला जेल के सामने धरना देंगे अपने हुकूक के लिए, अपने आईनी और कानूनी हुकूक के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।